नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंतु तिवारी। आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों का। उत्तर प्रदेश में हाथरस के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की सोमवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव शर्मा छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों पर केस भी दर्ज कराया है, इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गौरव एक नंबर का आतंकवादी है और वह सपा से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद परिवार ने मान लिया पिता की अर्थी को बेटी ने कंधा दिया। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। अमरीश शर्मा के परिवार ने पुलिस को बताया है कि आरोपी गौरव से उनके परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी। सोमवार को अमरीश की बेटी और गौरव की पत्नी मौसी गांव के मंदिर में पूजा करने गई थी। इन महिलाओं में झगड़ा हो गया। शाम को अमरीश अपने खेत पर आलू की खुदाई करा रहे थे। उनकी पत्नी बेटी के साथ खाना देने के लिए खेत पर आई थी। इसी दौरान गौरव अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा और फायरिंग शुरू। गोली लगने के बाद अमरीश को इलाज के लिए हाथरस ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। SP विनीत जायसवाल के मुताबिक अमरीश ने 16 जुलाई 2018 को गांव के ही गौरव के खिलाफ बेटी से छेड़छाड़ करने का केस दर्ज करवाया था। इसी मामले में गौरव 15 दिन तक जेल में रहा था। जमानत पर बाहर आने के बाद वह अमरीश पर केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राम राज्य लाने वालों के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं और CM बंगाल खुद हाथरस की पीड़ित बेटी से मिलने सपा का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। मैं खुद उस बेटी से मिलने जाऊंगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब रासुका लगाने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिया है। तो खास खबरों के बड़े चैनल।